नमस्कार दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.05 बिल्कुल एक न्यूट्रल जो डोजी कैंडल बनाया है और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जस्ट लाइक ए डोजी कैंडल आपको देखने को मिल रहा था, राइट। तो यहाँ पर अभी हम समझेंगे कि आगे आने वाले समय क्या कंडीशन हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में कि स्टॉक आपको क्लियरली एक ऑप्टेड में ही कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देता है। तो बार बार आप देखेंगे अपना जो सपोर्ट लेवल है उसी को स्टॉक सपोर्ट लेवल के ऊपर बढ़ रहा है, ये बात हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, राइट। तो उसी के साथ साथ अगर आप ये देखेंगे कि अभी स्टॉक ने जो हाई लगाया, आप देख सकते हो यहाँ पे 785 का लेवल है। तो क्या ये इसका ऑल टाइम हाई है, वो भी देख लेते हैं एक बार, कल्याण ज्वेलर्स का। हाँ, ऑल टाइम हाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ पर हायर है बना रहे और अपना ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है। ये इसका ऑल टाइम हाई है और स्टॉक उसी के आसपास उसी के पास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो जाते हैं कि स्टॉक हायर है बना रहे और यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास में जो ट्रेड कर रहा है तो ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल हाई है, ठीक है। ये बात हमें क्लियरली दिख रहा है। दूसरी बात जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो इसका सपोर्ट लेवल, यानी कि हमारे सामने सपोर्ट लेवल कौन सा आ रहा है, 674.50 रुपये का। तो अगर ये स्टॉक अपना 674.50 का जो सपोर्ट लेवल है, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो अगला सपोर्ट लेवल जो हमारे सामने रहेगा 623 का, ठीक है। तो ये दो सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इससे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है 674 का। तो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि जैसे कि स्टॉक यहाँ पर हायर है बना रहे, अपने ट्रेल लाइन को सपोर्ट ले रहे और ऊपर बढ़ रहे हैं, तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल हाई रहेगा, तो टारगेट क्या हमें देखने को मिल सकता है वो समझते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर कन्फर्म हो जाने में मैं थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी दिखाना चाहता हूँ। मैं एक बार यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर भाग चुका है, राइट, यहाँ पर काफ़ी मूवमेंट दे चुका है, इसलिए मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान समझेगा इस बात को। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार RSI का इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इसका अभी जो जोन रहता है ना, ओवरबॉट जोन रहता है, वो कहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो एक बार एक सेकंड के लिए पॉज करता हूँ वीडियो को। तो यहाँ पर अगर देखेंगे RSI अभी 90.75 पर है, मतलब कि आपको पता है RSI जब 80 के ऊपर जाता है तो हम कहते हैं इसको ओवरबॉट जोन, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे RSI काफ़ी समय से यहाँ पर 80 के ऊपर है, लेकिन यहाँ से ओवरबॉट है, लेकिन फिर भी स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है। तो क्या RSI में ओवरबॉट होने की वजह से स्टॉक में गिरावट आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख भी रहा है, मतलब कि RSI कितने भी ऊपर जा रहे हैं तो प्राइस भी उतने ऊपर जा रहे हैं। तो एक बात आपको मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि RSI यहाँ पर हाई है, मतलब कि स्टॉक क्लियर अपने ओवरबॉट में ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क इसलिए रहना है क्योंकि स्टॉक कहीं से भी गिरावट दिखा सकता है, कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो इसलिए आपको ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया कि अगर इसके नीचे जाता है तो फिर गिरावट आने की संभावना बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ अगर ये इसको ब्रेकआउट करता तो हमारे सामने क्या टारगेट रहेगा। लेकिन ये जो टारगेट हम डिसाइड करेंगे, पूरी तरह आप इसको पकड़ के मत बढ़ जाना कि यही टारगेट हमें चाहिए, नहीं, फिर भी आपको देखना चाहिए स्टॉक में। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो हम एक स्टॉक में एंट्री लिया और हमने पूरे एनालिसिस किया कि स्टॉक में हमें यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 100 रुपये में एंट्री लिया और हमने टारगेट बनाया कि हमें 180 रुपये तक हमें टारगेट चाहिए। अब अगर स्टॉक 120 को जाकर रिवर्स कर रहा है तो यहाँ पर हमें भी सतर्क हो जाना चाहिए या फिर हमें एग्जिट करना चाहिए, जो भी हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें करना चाहिए, राइट। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमें 180 तो चाहिए ही चाहिए, मतलब पकड़ के बैठे हैं कि हमें भाई इसी से ही शादी करना है, तो ये गलती हो जाएगी, है ना। तो ऐसे गलती कभी मत करना, हमेशा स्टॉक में जैसे चेंजेस होते तो अपने माइंडसेट को भी चेंजेस कर लेना, ठीक है। स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करते चलना है, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियरली समझ में आएगा। अब मैं आपको टारगेट बताऊंगा और बाकी चीज़ें मैं जो आपको बताया उसको आपको ध्यान में रखना है। कभी भी किसी भी स्टॉक में टारगेट को पकड़ के मत बटना कि भाई यही चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस है और आपको लग रहा है कि आप इतना रिस्क भी लेने के लिए तैयार है तो वो आपके हिसाब से सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको टारगेट अगर बताऊँ, ये टारगेट हमने फिबोनाची का लेवल से ड्रॉ किया। फिबोनाची लेवल आपको सबको पता है, जिनको नहीं पता एक बार इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 858 का इसका पहला टारगेट दिख रहा है और ये इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद 785 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये टारगेट आ सकता है। उसके बाद 972 का, उसके बाद 1087, उसके बाद 1158, चारों टारगेट मैंने बताया। इस सारे के सारे अच्छे टारगेट रहेंगे, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज बनाया हूँ, स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।